ये कहानी है एक म्यूटेंट ऑक्टोपस की जो समुन्दर में आने जाने वाली शिप्स को डुबो दिया करता था। यही नहीं, वो इंसानों को पकड़कर उनके शरीर में अंडे दिया करता था ताकि वो अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ा सके। इस कहानी की शुरुआत में हम एक शिप को देखते हैं जो समुन्दर के रास्ते दूसरे देश जा रहा होता है, लेकिन समुन्दर में मौजूद एक जाइंट ऑक्टोपस उस शिप पर हमला करके उसे डैमेज कर देता है। शिप पर मौजूद लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऑक्टोपस शिप को डुबो देता है और वापस पानी में चला जाता है। इस इंसिडेंट के अगले दिन हम कुछ वर्कर्स को देखते हैं जिन्हें समुन्दर के अंदर एक कैप्सूल मिलता है जिसके अंदर एक ऑक्टोपस बंद था। उनमें से एक वर्कर जो उस ऑक्टोपस को खाना चाहता था वो उसे लेकर अंदर किचन में आ जाता है, मगर जैसे ही वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है ऑक्टोपस उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से जकड़ लेता है। सुजुमे उस वर्कर को बचाने की कोशिश करती है, मगर वो ऑक्टोपस उस पर हमला करके उसकी बॉडी से चिपक जाता है और उसे बेहोश कर देता है। जब शिप के कैप्टन को इस बात का पता चलता है कि एक जाइंट ऑक्टोपस ने लोगों पर हमला कर दिया है, तब वो उस ऑक्टोपस को मारने का प्लान बनाता है और नीचे बेसमेंट में आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो ऑक्टोपस को मार पाता, ऑक्टोपस उस पर हमला करके उसे जकड़ लेता है और उसे मार डालता है। कुछ देर बाद जब सुजुमे को होश आता है तब अचानक से उसे वॉमिटिंग होने लगती है। जब सुजुमे अपनी बॉडी चेक करती है तब उसे पता चलता है कि ऑक्टोपस ने उसकी बॉडी में अंडे दे दिए हैं और बहुत ही जल्द वो मरने वाली है। मूवी का सीन चेंज होता है और हम बेन और उसकी बेटी सौम्या को देखते हैं जो एक होटल में बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन तभी वहां पर बेन का दोस्त कुइली आ जाता है। वो बेन से कहता है, कल मैं एक डायमंड चुराने वाला हूँ जो कि एक शिप पर मौजूद है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वो बेन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। बेन जानता था कि अगर वो कुइली के साथ गया तो वो मुसीबत में पड़ सकता है और हो सकता है कि वो अपनी बेटी से दोबारा कभी न मिल पाए, मगर साथ ही वो ये भी जानता था कि अगर उसने अपनी बेटी का इलाज नहीं करवाया तो वो उसे वैसे भी खो देगा, क्योंकि बेन के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसलिए वो कुइली के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन कुइली बेन को लेकर अपनी बोट पर आ जाता है जहां उसकी मुलाकात कुइली के बाकी दोस्तों से होती है जो हीरा चुराने में कुइली की मदद करने वाले थे। बेन देखता है कि वो लोग अपने साथ हथियार लेकर आए हैं जो उन्हें मुसीबत में डाल सकता था। ये सब देखने के बाद बेन कुइली पर काफी गुस्सा होता है और उसके साथ चलने से मना कर देता है। कुइली उसे ये कहते हुए कि हम लोग समुन्दर के बीचों बीच जा रहे हैं और ऐसे में हमें हथियारों की जरूरत पड़ सकती है, ऐसा कहकर वो बेन को समझा लेता है और उसे अपने साथ चलने के लिए राजी कर लेता है। कुछ देर बाद वो लोग उस शिप के नजदीक पहुंच जाते हैं जिसमें उस डायमंड को रखा गया था। वो लोग बिना समय गवाए जल्दी से उस शिप पर चढ़ जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं, मगर जैसे ही वो लोग बोट के अंदर एंटर करते हैं उन्हें दीवारों पर एक चिपचिपी चीज और बहुत सारा खून दिखाई देता है। उन लोगों को लग रहा था कि इस शिप पर और भी लोग मौजूद हैं जो उस हीरे को लूटना चाहते हैं, इसलिए वो लोग चौकन्ने हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। अब हम माइक और झोंग को देखते हैं जो शिप पर रुक कर वहाँ की निगरानी कर रहे थे, लेकिन वो जाइंट ऑक्टोपस जो पहले से ही वहाँ पर मौजूद था वो उन दोनों पर हमला करके उन्हें मार डालता है और शिप के अंदर आ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ सुजुमे जो अभी तक जिंदा थी, जब उसे होश आता है तब उसे रियलाइज होता है कि इस शिप पर उसके अलावा और भी कोई है, इसलिए वो जल्दी से जाकर कंटेनर के पीछे छिप जाती है, मगर कुइली उसे पकड़ लेता है और उससे हीरो के बारे में पूछता है। सुजुमे उसे बताती है कि डायमंड कंटेनर के अंदर है, लेकिन उसे खोलने के लिए तुम्हें एक्सेस कार्ड की जरूरत पड़ेगी जिसे शायद कॉकपिट के अंदर रखा गया है। कुइली बिना देरी किए सुजुमे को लेकर कॉकपिट की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो एक्सेस कार्ड लेकर डायमंड को चुरा सके, मगर जैसे ही वो कॉकपिट के अंदर आता है उसे वहां पर एक बच्चा मिलता है जो काफी डरा हुआ था। अब हम बेन और बाकी लोगों को देखते हैं जो एक्सप्लोजिव लेकर नीचे आ जाते हैं ताकि वो शिप को ब्लास्ट कर सकें, मगर इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते मॉन्स्टर ऑक्टोपस
उन लोगों पर हमला कर देता है और एक एक करके उन्हें मारना शुरू कर देता है। बेन जैसे तैसे करके अपनी जान बचाते हुए कॉकपिट के अंदर आ जाता है और बाकी लोगों को यहाँ से चलने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, वो मॉन्स्टर वहाँ भी आ जाता है और उन लोगों पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उन्हें मार डाले, वो लोग अपनी जान बचाकर एग्जिट की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन भागते हुए जोन का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जब सुजुमे उसे बचाने के लिए उसके पास जाती है, तब वो मॉन्स्टर उसे घेर लेता है। लेकिन बेन, जो दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था, वो मॉन्स्टर पर हमला करके उसे वहां से भगा देता है और सुजुमे को लेकर एग्जिट के रास्ते बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद कोयली सुजुमे को पकड़ लेता है और उससे कहता है, अगर तुमने मुझे डायमंड नहीं दिया तो मैं तुम्हारे साथ साथ इस बच्चे को भी मार दूंगा। क्योंकि सुजुमे के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो कंटेनर खोलकर उसे वो डायमंड दे देती है। लेकिन उसी समय वहां पर वो ऑक्टोपस आ जाता है और वो कोयली पर हमला कर देता है, जिसके चलते डायमंड उसके हाथ से छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर कोयली को मार डाले, वो लोग ऑक्टोपस पर फायरिंग करके कोयली को छुड़ा लेते हैं और उसे लेकर दूसरी साइड आ जाते हैं। जबकि सुजुमे और बेन वो दोनों ऑक्टोपस से बचने के लिए खुद को एक कंटेनर में बंद कर लेते हैं। कोयली कैसे भी करके उस डायमंड को वापस पाना चाहता था, इसलिए वो बेन के साथ मिलकर उस ऑक्टोपस पर हमला करके उस डायमंड को चुराने का प्लान बनाता है। प्लान के मुताबिक वो लोग ठीक वैसा ही करते हैं। वो ऑक्टोपस पर हमला करके उस डायमंड को चुरा लेते हैं और अपनी जान बचाकर एग्जिट की तरफ आ जाते हैं। मगर एग्जिट का दरवाजा बंद होने की वजह से वो लोग वहीं पर फंस जाते हैं। इससे पहले कि वो ऑक्टोपस उन लोगों को मार डाले, वो लोग ऊपर बने चेंबर के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं और अपनी जान बचाकर शिप से बाहर आ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सुजुमे, जो रास्ता भटक चुकी थी, वो घूम फिर कर वापस कंट्रोल रूम में आ जाती है। सुजुमे कोयली से कॉन्टेक्ट करके उससे मदद मांगने की कोशिश करती है, मगर कोयली रेडियो की आवाज को म्यूट कर देता है ताकि सबको लगे कि सुजुमे मर चुकी है और कोई भी उसे बचाने के लिए ना जाए। मगर जब बेन को इस बात का पता चलता है, तब वो कोयली पर काफी गुस्सा होता है। बेन सुजुमे को उस बच्चे के साथ उस शिप पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो सुजुमे को बचाने के लिए निकल पड़ता है। क्योंकि कोयली को अब डायमंड मिल चुका था, इसलिए वो बेन की परवाह किए बिना अपने साथियों के साथ शिप लेकर वहां से निकल जाता है। मगर हम देखते हैं कि उसके साथी, जो उस डायमंड को चुराना चाहते थे, वो कोयली पर चाकू से हमला करके उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोयली जैसे तैसे करके उन लोगों को मार डालता है, मगर ज्यादा खून बह जाने की वजह से कुछ देर बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। अब हम बेन को देखते हैं, जो सुजुमे को बचाने के लिए कंट्रोल रूम में पहुंच चुका था। वो सुजुमे को लेकर एग्जिट की तरफ बढ़ने लगता है, मगर तभी वहां पर ऑक्टोपस आ जाता है और वो बेन पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो ऑक्टोपस बेन को मार डाले, सुजुमे उस ऑक्टोपस पर हमला कर देती है, जिसके चलते वो ऑक्टोपस घायल हो जाता है। बेन जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो ऑक्टोपस उन सबको मार डालेगा, इसलिए वो उस ऑक्टोपस को एक्सप्लोजिव से उड़ाकर मारने का प्लान बनाता है। वो सुजुमे को लाइफ बोट में बैठाकर उसे शिप से दूर भेज देता है और ऑक्टोपस का ध्यान भटकाकर उसे पानी में गिरा देता है। ऑक्टोपस के पानी में गिरते ही बेन एक्सप्लोजिव लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो ऑक्टोपस बेन को खाने के लिए उसके नजदीक आता है, बेन एक्सप्लोजिव लेकर उसके मुंह में घुस जाता है, जिसके चलते वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है और ऑक्टोपस मारा जाता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।